जी हाँ, देशवासियों का सपना टूट चुका है। बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने खेला, एक तरह से पूरा वन साइडेड मैच। सुनील जी बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा जो ऑस्ट्रेलियन खेमा है पैट कमिंस, जो निर्णय लिया, जिस तरह का क्रिकेट खेला, पहले दो मैच हारने के बाद जिस तरह से वापसी की, चारों खाने चित, ये कहूंगा। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा भारतीय टीम को जो खामियां नजर आई आखिरी मैच में, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन। आप गेंदबाजी की बात करो, आप फील्डिंग की बात करो, और जिस तरह से फिनिश किया ये टूर्नामेंट, और जिस तरह से छठी बार उन्होंने विश्व कप अपने नाम किया। जी हाँ, 6 विकेट से जीतने के बाद, और जैसा पैट कमिंस ने कहा था कि हम इस पूरे स्टेडियम को शांत कर देंगे, उन्होंने तो पूरे देश को 140 करोड़ का जो जश्न का सपना था वो ही शांत कर दिया। हाँ जी, वो कर दिया। एंड आई थिंक पूरा कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज वो बेटर क्रिकेट खेले प्रोबेबली थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिया ने सबसे बेटर जैसे ग्रुप स्टेज खेल पाए, पर जो बड़े मैचेस हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम की टेम्परमेंट बेटर है। और वो जो मोमेंटम उन्होंने बनाया वो फाइनल तक वो लेकर गए। हमारा भी मोमेंटम था, लेकिन वो एक मैच जो खराब हुआ वो फाइनल हुआ। जी, एंड देखो 2015 ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता, पर इंडिया में आके ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। सो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो सेमी फाइनल में जब खेलते हैं ना, वो बड़ी गेमों में ना टेम्परमेंट बड़ी स्ट्रांग है, पर जो भारत की है ना, वो सेमीफाइनल के पता नहीं फाइनल में जब आते हैं वो कमी है, ये कमजोरी है। आई थिंक ये थोड़ा मे बी जब बाद में रिव्यू करेंगे सोचेंगे, हम बड़ी सेमीफाइनल भी जब आते हैं फाइनल आते हैं हम हार क्यों जाते हैं। T20 में भी ऐसे ही किया इंग्लैंड के खिलाफ, अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दिया। आई थिंक ये भारत टीम ग्रुप स्टेज में अच्छी है, बट बड़ियों गेमों में टेम्परमेंट बहुत कमजोरी है। ये टेम्परमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या प्रेशर आ गया पूरे 140 करोड़ का, क्या कहा जाए, लेकिन फिलहाल हकीकत तो यह है कि भारतीय टीम हार चुकी है। अहमदाबाद में मायूस है, वहां पर स्टेडियम में लोग भी। अमृत हमारे साथ है। अमृत जी, किशोर बिल्कुल पैट कमिंस ने जो कहा वो करके दिखा दिया। फैंस में काफी नाराजगी जरूर है, क्योंकि फैंस का यही कहना है कि आपने 10 मैच बहुत अच्छे खेले, लेकिन जब जो जिस दिन के लिए आप ये मैच खेले वो मैच तो आप नहीं खेल पाए, क्योंकि आपकी 10 जीत किस लिए थी कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा हो, लेकिन आप नहीं हरा पाए। और किशोर, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार प्रूफ किया कि उसे स्ट्रॉन्ग टीम क्यों कहा जाता है, बड़े मैचों का खिलाड़ी उसे क्यों कहा जाता है। फैंस का ये भी कहना है कि क्यों भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ही पिच पर नहीं खेल पाए, हम अपने ही ट्रैप में शब्द से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फैंस ये कह रहे हैं कि आपको स्पिनिंग पिच चाहिए और आपके स्पिनर्स मेन दिन जिस दिन पिच विकेट निकालना है उस दिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। आप 2 दिन पहले हेवी रोलर चला रहे हैं पिच के ऊपर, 2 दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किशोर कह रहे थे कि अब तक अच्छा हो रहा था, लेकिन शायद हम पिच के ही पेच में फंस गए और बहुत हल्के में ले लिया इस मुकाबले को, कि टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, पिच ऐसे बनाकर रखते हैं यहाँ फायदा होगा। और कंगारुओं ने गेम प्लान किया, कंगारुओं ने हर खिलाड़ी के लिए गेम लेकर आए, चाहे हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, किशोर पता था कि सूर्य कुमार यादव पुल शॉट खेलने जाते हैं, उनको स्लोअर गेंद डालते जाओ, 1 पे मारेंगे 2 पे मारेंगे लेकिन 3रे पे आउट हो जाएंगे, उस ट्रैप में लिया। तो कहूँ कि आज ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी प्लानिंग थी और टीम इंडिया जो होमवर्क की थी वो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाई। सर आप यहाँ पर हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज, मतलब? सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, हार या जीत गेम का एक नियम है, और इंडिया के साथ हम लोग लाइफ टाइम खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हारे तो पीठ पीछे बोलते कि इसने बॉलिंग खराब डाली। जब 10 गेम जीती थी तब इंडिया के लिए सबने वाहवा किया था, पर जब एक जीत हार गए तो उसके लिए खराब नहीं बोलना चाहिए। टीम इंडिया के साथ है हम लोग और गेम का एक नियम है, तो एक्सेप्ट होना चाहिए। वी लव यू टीम इंडिया। आज ऑस्ट्रेलिया का दिन, ऐसा भी तो हो सकता है 10 मैच जीते भी है, जीत के लिए इंडिया को अप्रिशिएट भी है। किशोर देखिए, कुछ फैंस ये हैं कि चलो जो मिला वो उसमें खुश हैं, कुछ फैंस ये हैं कि काश ये भी मिल जाता तो ये अच्छा होता। किशोर जी बिल्कुल, और ठीक है ऑस्ट्रेलिया का दिन था, लेकिन ये बात तो है कि वो पिच भी अपने हिसाब से हमारे हिसाब से थी, हमारे फेवर में लग रही थी, लेकिन उसमें भी अपने होम ग्राउंड में 130,000 लोगों के सामने जो मोंटी कह रहे हैं, जब ओकेजन आता है, जब बड़ा मैच आता है, तब क्या हम प्रेशर में आ गए? बिल्कुल आ गए, और जिस तरह का क्रिकेट खेला 10 बार इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद जब आप फाइनल में आते हैं और ऐसा जब प्रदर्शन करते हैं, तो जो नाम हम लोगों ने क्रिकेट के में कहा जाता है कि चोकर साउथ अफ्रीका है, मैं आज कहना पड़ेगा हमें कि इंडिया भी चोकर्स ही है, क्योंकि पिछले वो चोकर्स तो वो लोग तो जीतते जीतते मैच हारते थे, ये मैच तो कभी जीतते हुए दिखे नहीं।
नहीं बिल्कुल, इस मैच में तो चारों खाने चित, आप फील्डिंग की बात करो, आप बल्लेबाजी की बात करो, आप गेंदबाजी की बात करो, मौका ही नहीं दिया भारत को। एक मौका निकल आया था, शुरुआत जिस तरह से की थी रोहित शर्मा ने, लेकिन कुछ रोहित शर्मा शुरुआत और बॉलिंग में भी तीन विकेट गिर गए थे, तब भी कुछ हो सकता था। देखिए लेकिन शुरुआत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से आप फिनिश करते हो। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया और एक बार नहीं छठी बार जीती है, तो हमें स्वीकार करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया आर ट्रूली वर्ल्ड चैंपियंस। जी हाँ, छठी बार वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बार जीती, T20 वर्ल्ड कप भी जीता और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती। तो जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में फाइनल कैसे खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया हर बार और बार बार दिखा रही है। बहुत अच्छी भारतीय टीम थी, हर बार ये कहा जा रहा था कि इससे अच्छी भारतीय टीम अभी तक आई नहीं है, लेकिन फाइनल में या तो ये लॉ ऑफ एवरेज कह लीजिए कि एक मैच हारना था और वो फाइनल निकला, लेकिन फाइनल हम नहीं जीत पाए। जसप्रीत वहां पर मौजूद है, जसप्रीत मायूस फैंस आपके साथ भी दिख रहे हैं। जसप्रीत आवाज आ रही है? बिल्कुल किशोर आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फैंस काफी ज्यादा मायूस है, बहुत दूर से आए हैं। आप कहाँ से आई थी मैच देखने? हम लोग सिंगापुर से आए हैं और मेरी बेटी पहली बार देखने आ रही है उसको क्रिकेट। मेरा बेटा 5 साल का और ये 9 साल की, तो उनका फर्स्ट क्रिकेट मैच है। क्या कहेंगी आप मैच के लिए? क्या कहेंगी आज टीम इंडिया ने जैसा परफॉर्म किया है? इसको थोड़ा हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है, अंग्रेजी में। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नॉट दैट गुड, नॉट दैट गुड। क्योंकि हार को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किशोर, यहाँ पे कुछ और हैं, आप बताइए आज की परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए ऐसा है कि सुखे दुखे समो भूतवा लाभा लाभो जोया, जो वो भगवत गीता का मंत्र है। तो सुख दुख लाभ लाभ और जय विजय होता रहता है जिंदगी में हर एक की। हम 10 मैच जीते वो भी हमें सोचना चाहिए आज कि 11वीं मैच हार गए, तो वो होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्लानिंग था वो बहुत क्लिनिकल था और बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग करके आए थे और रोबोटिक तरीके से वो खेले हैं एकदम। उसके सामने हमारी जो स्पॉन्टेनियस सहज नेचुरल गेम है वो टिक नहीं पाई, और 3 प्लेयर्स ने 50 के आसपास रन किए, बाकी ना ने नहीं किए, वो भी एक प्रॉब्लम। आप सिंगापुर से आए हैं? जी हाँ, मैं सिंगापुर से आया हूँ और मैं तो बस यही चाह रहा था कि ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया रोहित शर्मा के लिए जीते, पर मैं ये कहूँगा कि आज की मैच हम हारे भी रोहित के वजह से, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में थे और एक ऑफ स्पिनर को उन्होंने ऑफ साइड में मारने की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा अच्छा नहीं खेली। मैं जसप्रीत अच्छा आपको रोक रहा हूँ, अमृत के पास कुछ मैसेज आया शायद। अमृत, अमृत क्या खबर है? किशोर खबर तो ये है कि ड्रेसिंग रूम में जो है भारतीय टीम के फैंस, कुछ जो ऐसे खिलाड़ी हैं वो रो रहे हैं, मायूस है वो अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो उस तरह का परफॉर्मेंस होगा। फिलहाल टीम इंडिया भी ड्रेसिंग रूम में है और सारे खिलाड़ी, इवन राहुल द्रविड़ की हमें बात कर लूँ या फिर कप्तान की बात कर लूँ रोहित शर्मा, वो उनकी आंखों में नम पड़ी हुई उनकी आंखें हैं। भारतीय कुछ खिलाड़ी हैं जो रो रहे हैं, हालांकि नाम मालूम नहीं चल पाया क्योंकि टीम इंडिया ने अपना वो रूम शॉर्ट कर लिया है, लेकिन माहौल जो टीम का है, जो ड्रेसिंग रूम का जो है, वो थोड़ा गमगीन है। प्लेयर्स को भी पता है कि वो आज क्या खोए हैं, जो पाते पाते वो रह गए। किशोर जी जाहिर सी बात है, और जैसा वो जो सिंगापुर से फैन आए थे उन्होंने भी कहा कि रोहित शर्मा की वजह से ही कब जाना था, और रोहित शर्मा से ही शायद कुछ ऐसी गलतियां होंगी। क्या हम बैटिंग के वक्त ही मैच हार गए थे? आई थिंक विराट कोहली के आउट होने जाने के बाद जिस साझेदारी का हमें इंतजार था, जो साझेदारी जरूरी थी, केएल राहुल ने जरूर कोशिश की, लेकिन कम मुझे लगता है कि जो एक हमने तय किया था कि एक 300 का टारगेट पार करेंगे या क्लोज जाएंगे, वो नहीं हो पाया। और हमेशा जो साझेदारी होती है, जो हमने लबुशेन और ट्रेविस हेड के बीच में देखी, इस प्रकार की एक कोशिश होनी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन देखिए, एक किसी खिलाड़ी को पॉइंट आउट करने से फ़ायदा नहीं होता, ये टीम गेम होता है। रोहित शर्मा ने ज़रूर एक खराब शॉट मारा, लेकिन जो अभी जो अमृत ने बताया, हम भावना को समझते हैं कि किसी को भी हार पसंद नहीं होती है, लेकिन इस हार से सीखना चाहिए। हमें एक तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि बड़े मैच में, जब बड़ा मैच, फाइनल मैच हो या सेमीफाइनल मैच हो, पिछले कई सालों से हम ये जीत नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है। ये जो पोस्टमार्टम होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। रोना धोना तो चलता रहेगा आज के दिन, लेकिन कल उठ के वापस आपको मैदान में कदम रखना है, और उसके लिए बहुत सोच की ज़रूरत है।